दोस्तों अगर आप भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों वेस्ट इंडीज को उन्हीं की सरजमी पर खदेड़ने के लिए हार्दिक पांड्या की टीम के बीच मुकाबला आखिरकार पहला T20 का शुरू हो चुका है। हार्दिक पांड्या ने टॉस भले अपने हाथों से गंवा दिया है लेकिन आखिरकार मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल पहुंच गए हैं शतक के करीब। तो वही सूर्य कुमार यादव ने भी जड़ दिया है शतक। आखिर क्या चल रही है मुकाबले की लाइव अपडेट, किसने बनाए हैं, कितने रन कौन खेल रहा है, कितने रन पर लाइव, सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और वेस्ट इंडीज में से पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आखिरकार ब्रेन लारा क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम पर खेली जा रही है। और दोस्तों इस मुकाबले का बेसब्री से पूरा भारत देश इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो पल अब आ ही चुका है जब वेस्ट इंडीज की टीम भारत के खिलाफ दो दो हाथ करती हुई हमको दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज हमेशा से ही चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से एक रहे हैं। भले T20 में भारत के आंकड़े कई गुना अच्छे हैं लेकिन दोस्तों हम ये बात भी नकार नहीं सकते कि वेस्ट इंडीज के पास विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज भी मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े शॉट लगाकर कभी भी मुकाबले का रुख किसी भी और पलट सकते हैं। हालांकि दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम का इतिहास तो भले अच्छा रहा है लेकिन अभी हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज की टीम वनडे विश्व कप से भी बाहर हो गई, वो भी इसीलिए क्योंकि उनकी टीम स्कॉटलैंड आयरलैंड जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ भी हार गई थी। और लेकिन दोस्तों अब वेस्ट इंडीज की टीम ने कसम खाई है कि जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे जिन भी देशों से उनको वो जरूर हराएंगे। और दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम का पहला ही मुकाबला यहाँ भारत के साथ हो गया। अब T20 श्रृंखला अगर भारत को जीतनी है तो यहाँ वेस्ट इंडीज की टीम को खदेड़ना बेहद ही जरूरी होगा और ऐसा भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या बिल्कुल करना भी चाहेंगे। वहीं हम आपको बताते चलें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज तक कुल मिलाकर T20 की अगर बात करें तो 25 मुकाबले खेले गए हैं, जहां इंटरनेशनल खेले गए मुकाबलों में मात्र 12 मैच शुमार हैं। और दोस्तों 12 में से भारतीय टीम ने यहां पर 9 मुकाबले अपने नाम किए तो वहीं 3 मैच वेस्ट इंडीज की टीम जीती है, जिसके चलते आप इन आंकड़ों से तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम कई गुना आगे है वेस्ट इंडीज की टीम से। तो ऐसे में दोस्तों हेड टू हेड आंकड़ों के अनुसार तो वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय टीम को मात नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से निकोलस पुरन और काइल मेयर्स जैसे बल्लेबाजों का एक बार भी बल्ला चल गया तो यहाँ पर टीम इंडिया की खैर नहीं है। और इसी से बचने के लिए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम में हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है जो कि उनका विकेट जल्दी चटका पाए। वहीं अगर आप भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो आप सभी इस मुकाबले का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकोगे। और अगर आपको मुकाबला ऑनलाइन देखना है तो वो जियो सिनेमा ऐप और सोनी लिव ऐप पर दिखाया जा रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकोगे। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर अब हर किसी को उम्मीद होगी कि भारतीय टीम की तरफ से जब पारी की शुरुआत ईशान किशन और शुभमन गिल करें तो यहां पर शुभमन गिल की तरफ से हम सभी को शतक देखने के लिए मिले। हालांकि यहां पर सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला भी चल रहा है जो कि शतक जड़ने के बेहद ही नजदीक भी पहुंच चुके हैं। वहीं अगर जानकारी के अनुसार देखें तो यहां पर टीम जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हम सभी को खेलती हुई नजर आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है, जहां भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे तो वहीं फिर मध्यम क्रम में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल नजर आने वाले हैं और गेंदबाजी में कुलदीप यादव, शिवम मावी, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और यहां तक कि मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। और वहीं बात करें अगर वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में तो वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स खेलेंगे तो वहीं जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पुरन, रोमन पोवेल, रोमारियो शेफर्ड, ओडियन स्मिथ, रैमन रेफर, जेसन होल्डर, अकील हुसैन और शेल्डन कोटरल को मौका दिया जाएगा। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज में से पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।